अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही डिलीशियस सी मिल्क शेक रेसिपी है और ये रेसिपी जो है ना बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रॉबेरी को लेना है और उसे ग्राइंड करके उसमें मिल्क और क्रीम वगैरह शामिल करके आप इसे रेडी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब होता है। वैसे भी अभी सर्द का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आपको स्ट्रॉबेरी जो है ना आसानी से हर जगह मिल जाएगी, तो आप लोग भी सिंपल से मिल्क शेक को ज़रूर ट्राई करिएगा। क्योंकि जब एक बार आप इसे ट्राई कर लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बॉक्स जो है स्ट्रॉबेरी ले ली है। अगर इसे वेट में मेजर करें ना तो ये जो है 250 ग्राम के करीब है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश करना होता है। तो आप नमक के पानी में या विनेगर के पानी में इसे भिगोकर 10 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद इसे जो है ना 2 से 3 पानी अच्छे से क्लीन करें, ताकि इसमें जो भी गंदगी वगैरह है वो अच्छे से साफ हो जाए। अब इसके जो ऊपर का पार्ट है ना उसे हम निकाल देंगे इस तरह से कट करके, इस तरह से देखिए। और उसके बाद मैं इसे जो है पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहे तो ऐसे ही ग्राइंड कर लें, लेकिन मैंने इसे जो है इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट है ना बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसमें जो है 3 टेबल स्पून शुगर शामिल कर ली थी और स्ट्रॉबेरी को मैंने पीसेस में कट करके इसमें शामिल कर लिया है। आप चाहें तो शुगर जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप क्रीम। तो मैंने यहाँ पर दूध के ऊपर जमी हुई बालाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है इसमें शामिल कर दें। और साथ ही में हम ले लेंगे 1 कप दूध। तो सारा दूध हम एक साथ इसमें नहीं शामिल करेंगे, पहले 1/2 कप बलाई और 1 कप दूध के साथ इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको जितना शेक बनाना है ना उतना दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दूध जो है बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज का होना चाहिए। और शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कम कर लें या चाहे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पर देखिए, हमारा स्ट्रॉबेरी शेक जो है ना बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें 1.5 कप दूध बाद में और शामिल कर दिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने ना तो इसे बहुत थिन किया है और ना ही बहुत थिक किया है। नॉर्मल आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है इस तरह की, तभी इसमें टेस्ट आएगा। कुछ लोग जो है ना इसे बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, उससे इसका टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। और देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर जो है ना कितना क्रीमी हुआ है। जब हम इसमें क्रीम शामिल करते हैं ना तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाता है और बहुत ही लाजवाब सा हमारा शेक बिल्कुल रेडी है। तो अब हम जो है इसे ना सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सर्विंग ग्लास और अब जो है ना शेक को ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना स्मूथ ये रेडी हुआ है। तो आप जो है ना शुगर के साथ पहले स्ट्रॉबेरी को सिर्फ ग्राइंड करें तो स्ट्रॉबेरी जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो अब जो है ना हम अपने शेक को गार्निश कर लेंगे। तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी को जो है बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है और इससे जो है ना हम अपने शेक को डेकोर करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल जैसे चाहे वैसे आप इसे डेकोर कर सकते हैं। अगर आपको इसका डेकोरेशन पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। जिस तरह से आप चाहें अपने ग्लास को रेडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पिस्ता और पिस्ते को भी बिल्कुल फाइन चॉप्ड कर लिया है और इससे भी हम अपने शेक को जो है गार्निश करेंगे, ताकि लुक वाइज भी हमारा जो ये स्ट्रॉबेरी शेक है ना प्रेजेंटेबल लगे। तो देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन और रेड दोनों मिलकर। और अब सबसे लास्ट में हम इसमें लगा देंगे 1-1 पीस जो है स्ट्रॉबेरी की। और इसे जो हमें करीब से दिखा दूं कि हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक बिल्कुल रेडी है, जैसा रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी है।
अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको यकीन होगा कि इतना डिलीशियस सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपने घर पे रेडी किया है। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर को ना खुश करने के साथ साथ हैरान भी कर देंगे, उन्हें खुद भी इस बात का यकीन नहीं होगा कि ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आपने घर पे रेडी किया है। इसलिए इस स्ट्रॉबेरी शेक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना मेहनत, टाइम, इन्ग्रीडियंट सभी बहुत कम लगते हैं, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट आता है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस। तो अगर आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।